जो पिंपल्स होने के बाद में जो हमारे गड्ढे हो जाते हैं हमारे चेहरे पे, उसको भी कम करने में बहुत मदद करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि टेजोरेटिन के बारे में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो टेजोरेटिन एक रेटिनॉइड क्लास का एक कंपाउंड है जो कि जनरली आपका ऑइंटमेंट या जेल फॉर्म में आता है, और ये आपका पावर 0.05% और 0.01% का पावर में आता है, और ये कई तरह के स्किन कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अभी हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। तो टेजोरोटिन का जो मेनली यूज है, ये एक सोरियोसिस नामक एक स्किन कंडीशन में यूज होता है, जिसमें कि हमारे स्किन में ग्रे सिल्वरी प्लेक्स पड़ जाते हैं और साथ में स्किन फट जाते हैं और स्किन में बहुत इचिंग होता है। एक ऑटोइम्यून डिजीज है सोरियसिस, जिसमें कि ये टेजोरोटिन यूज किया जाता है। ये टेजोरोटिन यूज करने से क्या होता है, आपका जो सोरियसिस का जो आपका जो स्किन का जो ग्रोथ है वो कम जाता है, और वैसे ये सोरियसिस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो टेजोरोटिन और एक बीमार स्किन कंडीशन में यूज होता है, जैसे कि हम जिसको हम एक्नी वल्गरिस या पिंपल्स कहते हैं। तो एक्नी में टेजोरोटिन यूज करने से क्या होता है, वो आपका जो एक्नी होता है, एक्नी का आपका जो ग्रोथ है वो कम जाता है, और ये एक्नी को मतलब कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ में टेजोरोटिन का एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है, और ये जैसे कि हम मैंने आपको पहले ही बताया, ये रेटिनॉइड्स में आता है। तो रेटिनॉइड्स में क्या होता है, अब ये विटामिन ए का डिराइवेटिव है, और ये क्या करता है, हमारे जो स्किन है स्किन को में एंटीऑक्सीडेंट का हिसाब से भी काम करता है, और हमारी स्किन को क्या करता है, ये मतलब बैग्स होने नहीं देता है और हमको जवान बनाए रखने में हेल्प करता है। और इसको आप टॉपिकली अप्लाई करने से हमारे स्किन में क्या होता है, जो आपका जो रिंकल्स जो पड़ते हैं, जो हमारे उम्र बढ़ने के लिए जो हमारे स्किन में रिंकल्स आते हैं, इसको ये काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ टेजोरोटिन हमारे जो पिंपल्स होने के बाद में जो हमारे गड्ढे हो जाते हैं हमारे चेहरे पे, उसको भी कम करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम टेजोरोटिन के मोड ऑफ एप्लीकेशन और ये कैसे यूज करना है इसके बारे में जानते हैं। तो टेजोरोटिन अगर आप सोरियसिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको ये क्या करना है, पहले आपको जो सोरियटिक जो एरिया है उसको पहले अच्छा से धो देना है। धोने के बाद में आपको क्या करना है, टेजोरोटिन का थोड़ा सा लेके उसमें अच्छा से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ देना, और जनरली आपको ये नाइट टाइम में अप्लाई करना है। तो सोरियसिस कंडीशन में एक ऐसा भी बात है, अगर आप टेजोरोटिन यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपका बॉडी टोटल बॉडी का 20% से ज्यादा एरिया में इसको आप मतलब अप्लाई मत कीजिए। इससे ज्यादा पोर्शन में आप अप्लाई करने से कभी कभी ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। और अगर आप ये पिंपल्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप इसको पहले 0.05% का जो जेल होता है उसको आप पहले यूज कीजिए, और ये यूज करने के बाद में धीरे से धीरे 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 उसके बाद उसका पावर को आप बढ़ा के 0.01% का पावर में लाके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये आपको 2 महीने तक यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप इसको एंटी एजिंग या रिंकल्स को कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको सेम प्रोसेस में यूज करना है, और ये कंटिन्यूअस 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक यूज करने से आपका रिंकल्स कम जाएंगे, और उसके बाद में अप्लाई करना छोड़ देने से फिर भी आपको रिंकल्स आने से फिर आप कुछ दिन गैप के बाद में ये आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम टेजोरोटिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो टेजोरोटिन लगाने से किसी को लोकली जो अप्लाई एरिया है उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन कुछ ऐसा हो सकता है, साथ में रेडनेस या इचिंग भी हो सकता है, या रैशेस अर्टिकेरिया ऐसा कुछ हो सकता है, और इसके अलावा आपका ज्यादा कुछ इसका साइड इफेक्ट दिखा नहीं गया है। टेजोरोटिन लगाने से पहले आप टेजोरोटिन का थोड़ा सा सैंपल आपके हाथ में लेके कानों पे लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं, कहीं आपका स्किन सेंसिटिव तो नहीं है टेजोरोटिन के लिए। और अगर यहाँ पे लगा के आप टेस्ट करने के बाद अगर वो आपका स्किन को सूट करता है, तो आप ये अपने मुंह पे लगा सकते हैं। तो अभी हम टेजोरोटिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जनरली टेजोरोटिन आपका मेन जो आपका प्रिकॉशन लेना चाहिए टेजोरोटिन यूज करने में, ये है कि अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको ये ज्यादा एरिया में अप्लाई नहीं करना है, और अपने बॉडी का जो 20% का जो एरिया है इससे ज्यादा एरिया में ये कभी भी अप्लाई नहीं करना है। और साथ में अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप ये इस कंपाउंड का यूज मत कीजिए, और 8 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए ये दवाई आप लोग मत यूज कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।
और अगर इस कंपाउंड के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो मुझे आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।